जुलाई 2023 इंटरनेशनल रिलेशन का जो पोर्शन है और समिट वाला जो सेक्शन है वो हम कवर करेंगे। जो पहला टॉपिक है हमारा है वो है मणिपुर वायलेंस से रिलेटेड। तो मणिपुर वायलेंस, मणिपुर में जैसे कि हमने देखे थे दंगे वगैरह हुए थे, वायलेंस हुआ था, तो उसके रिगार्डिंग यूरोपियन पार्लियामेंट है उसने कुछ एक मोशन पास किया था, ठीक है। तो उसमें मोशन पास करते हुए भारत सरकार को बोला था कि भारत सरकार वहाँ पे जो रिलीजियस माइनॉरिटीज रह रही है, जैसे कि मणिपुर में क्रिश्चियन माइनॉरिटी है, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे और अनहिंडर्ड असेस प्रोवाइड करे जर्नलिस्ट को, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर को मणिपुर में, और आर्म्ड फोर्सेस एक्ट है हमारा जो अफसा है उसको रिपील करे, और ह्यूमन राइट्स हैं उनको क्या है डायलॉग में लेके आए, उनको प्रोटेक्ट करे भारत सरकार। ये यूरोपियन पार्लियामेंट ने बोला था, ठीक है। तो अब हमें एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि यूरोपियन पार्लियामेंट क्या है, ठीक है, उसकी कंपोजिशन क्या है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन दिस होल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो यूरोपियन पार्लियामेंट है वो एक बॉडी है, ठीक है, EU की, एंड इसमें जो मेंबर्स होते हैं दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय सिटीजन्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन पार्लियामेंट्स के मेंबर, जैसे कि भारत की संसद में MPs होते हैं, उसी तरह इसमें क्या है यूरोपियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, ठीक है, उनको यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर कंट्रीज होते हैं उनके सिटीजन डायरेक्टली चूज करते हैं, जैसे कि हम डायरेक्टली क्या है अपना MLA और MP चुनते हैं, ठीक है, लोकसभा के केस में, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द यूरोपियन यूनियन का एक मेन इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है ये, ठीक है, एंड इसका हेडक्वार्टर है वो है फ्रांस के अंदर। यूरोपियन पार्लियामेंट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, स्ट्रासबर्ग फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, एंड इट्स वर्क इज कंडक्टेड इन 3 लोकेशन, जो इसके जो 3 सेंटर हैं कहाँ कहाँ पे, स्ट्रासबर्ग, ब्रुसेल बेल्जियम एंड लक्जमबर्ग में इसके 3 सेंटर्स हैं, परंतु इसका जो हेडक्वार्टर आपको याद रखना है ये कहाँ पे है, ये है स्ट्रासबर्ग फ्रांस में, यूरोपियन पार्लियामेंट का हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसके मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाय द सिटीजंस, ठीक है। इसकी कंपोजिशन क्या है, इसकी कंपोजिशन है वो इसमें मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं, 705 कंट्रीज होते हैं, और पॉपुलेशन के आधार पर 705 इसमें मैक्सिमम टोटल नंबर हो सकते हैं MPs का, एंड इनके अंदर जो कंट्रीज है उनका जो मेंबर है मेंबरशिप है वो पॉपुलेशन के आधार पर उनको डिसाइड की जाती है, ठीक है। और ये जो प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन होती है ये डिग्रेसिव प्रोपोर्शनलिटी है, इसका मतलब ये है कि कम से कम एक कंट्रीज के 6 मेंबर होंगे, ठीक है, जैसे कि बहुत एग्जांपल छोटा सा कंट्री है लक्जमबर्ग, तो उसके कम से कम कितने हो सकते हैं 6, उसकी पॉपुलेशन भी कम है, जबकि जर्मनी बहुत बड़ा देश है तो उसके कितने हो सकते हैं 96 हो सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है, तो कम से कम 6 और मैक्सिमम कितने हैं 96 कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं इसमें, ठीक है, एक कंट्री से इतने यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर हो सकते हैं, ठीक है, मिनिमम 6 मैक्सिमम 96। ओवरऑल यूरोपियन पार्लियामेंट में कितने मेंबर हैं, 705 मेंबर हैं, जिसमें से एक प्रेसिडेंट भी होता है, बाकी 704 मेंबर होते हैं, ठीक है। तो ये एक पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट का काम क्या होता है, पार्लियामेंट तो लेजिस्लेचर बॉडी होती है, तो लेजिस्लेटिव लॉज वगैरह बनाती हैं, तो ये पास करती है EU से रिलेटेड लॉज को टुगेदर विद यूरोपियन काउंसिल, ठीक है, बेस्ट अपॉन यूरोपियन कमीशन है उसकी प्रपोजल के आधार पे जो लॉ बनाती है ये बॉडी, ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट डिसाइड करती है, एनलार्जमेंट पे डिसाइड करती है, और कमीशन का, यूरोपियन कमीशन का क्या काम होगा वो भी ये डिसाइड करती है, ठीक है। इसके अलावा इसका सुपरवाइजरी रोल है, तो ये जो EU के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको डेमोक्रेटिक स्क्रूटनी प्रोवाइड करती है, क्योंकि इसके मेंबर हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं लोगों के द्वारा, एंड जैसे कि मिनिस्टर होता है उसी के आधार पर इसकी स्क्रूटनी करते हैं इन बॉडीज की। इलेक्टिंग द कमीशन प्रेसिडेंट, एंड ये कमीशन का जो प्रेसिडेंट है वो यूरोपियन पार्लियामेंट इलेक्ट करती है एंड अप्रूव करती है कमीशन की बॉडी का। इसके अलावा ये बजट है, जो EU का बजट है वो भी ये अप्रूव करती है, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव रोल है इसका, सुपरवाइजरी रोल है, जो भी इंस्टीट्यूशन है उनको सुपरवाइज करती है। इसके अलावा ये सिटीजन्स की जो पेटिशंस हैं उनको कंसिडर करती है और उन पर इंक्वायरी बिठाती है, ठीक है। इसके अलावा ये मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसको डिस्कस करती है विद यूरोपियन सेंट्रल बैंक के साथ मिलके, ठीक है। इसके अलावा ये क्वेश्चन करती है कमीशन एंड काउंसिल को, इलेक्शन ऑब्जर्वेशन भी यहाँ पे ये देखती है इलेक्शन से रिलेटेड, ठीक है। ये सारे इसके क्या है काम होंगे। इसके अलावा इसका जो बजटरी काम है वो बजट है, ठीक है, तो EU का बजट बनाना है विद मिलके, काउंसिल के साथ मिलके। इसके अलावा ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी करती है,
लॉन्ग टर्म प्लानिंग को क्या बोलते हैं इसके ईयू के केस में, मल्टी एनुअल फाइनेंशियल फ्रेमवर्क वो तैयार करती है, ठीक है, मल्टी एनुअल फाइनेंशियल फ्रेमवर्क। तो ये इसके काम हो गए, ठीक है। तो काम हमने देखे कौन कौन से देखे, किसी भी बॉडी के जो काम है, लेजिस्लेटिव काम है, सुपरवाइजरी रोल है, और दूसरा है बजटरी रोल, ठीक है। तो ये इनके तीन इंपॉर्टेंट काम हो गए। ये काम कैसे करती है, हाउ दिस पार्लियामेंट वर्क, ये कमेटीज और इसका जनरल सेशन होता है, प्लेनरी सेशन होता है, उनके द्वारा भी काम करती है। कमेटी है वो लेजिस्लेशन है, कोई भी कानून है वो बनाती है, फिर उसको इसमें बॉडी यूरोपियन पार्लियामेंट में लाया जाता है, और उसको फिर वो अप्रूव करते हैं, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी के द्वारा। तो प्लेनरी सेशन में इनको लेजिस्लेशन को पास कराया जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है यूएस स्टूडेंट क्राइसिस, स्टूडेंट लोन क्राइसिस। तो यूएस में, यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा था कि वो यूएस के जो स्टूडेंट्स हैं उनका लोन है वो माफ कर देंगे, ठीक है। कुछ लोग पे नहीं कर पा रहे थे, कुछ स्टूडेंट्स पे नहीं कर पा रहे, तो उनका लोन माफ कर दिया, जैसे कि भारत के केस में होता है फार्म लोन डेब्ट वेवर होता है, उसी तरह से इसका ये यूएस के प्रेसिडेंट ने बोला था कि प्लान टू कैंसिल यूएस $10,000 का जो स्टूडेंट लोन था वो डेब्ट वो वेव करने के बारे में बात की थी, ठीक है। तो इसके कुछ फायदे भी होते हैं लोन वेवर के, कुछ नुकसान भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं कि कुछ लोग इसके फेवर में होते हैं डेब्ट कैंसिलेशन के, क्यों डेब्ट, क्योंकि एजुकेशन की कॉस्ट है वो इंक्रीज हो गई है, ठीक है, फीस प्राइवेट एजुकेशन की है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, ठीक है। एंड उसके लिए क्या है, स्कॉलरशिप भी क्या है डिक्रीज हो रही है, स्कॉलरशिप डिक्रीज हो रही है, फीस इंक्रीज हो रही है, जिसके कारण जो लोन लेते हैं बच्चे वो जिंदगी भर उनकी, कुछ लोग तो काफ़ी टाइम लग जाता है उनको रिपे करने में एजुकेशन लोन को। जो बाइडन ने यह भी कहा था कि जो हायर एजुकेशन है दैट शुड बी ए टिकट टू मिडिल क्लास लाइफ, बट कुछ लोगों के लिए ये जिंदगी भर लाइफ लॉन्ग बर्डन बन जाता है जिसको पे करना पड़ता है, ठीक। तो इसलिए वो बेसिकली एक पॉलिटिकल मूव है, परंतु इसको ये चाहते थे कि उनका जो स्टूडेंट्स है लोन है वो खत्म हो जाए, उनको कुछ को वेव ऑफ कर दिया जाए। परंतु यूएस की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा था कि आप इतना बड़ा जो फाइनेंशियल डिसीजन है वो नहीं ले सकते, उसके लिए आपको क्या है यूएस की सीनेट के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। तो सीनेट जब पास करेगी तभी इसको कर सकते हैं, कांग्रेस जो यूएस कांग्रेस है उसको पास कराना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद में इसको प्लान को बाइडन ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था कि वो नया प्लान बनाएंगे। एंड आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेब्ट कैंसिलेशन क्या है, तो यानी कि लोन वेवर के अगेंस्ट में भी ये आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। तो ये अंडरलाइन कॉज है जो उसको एड्रेस नहीं करता है। अंडरलाइन कॉज क्या है, एजुकेशन की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है, स्काईरोटिंग कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज देयर, एंड इसलिए इस पूरा सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है। एंड एजुकेशन क्या है, एक पब्लिक गुड है, ठीक है। तो उसको डिग्री सॉप बन गया है बेसिकली, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं। इसके अलावा जो भी इसका जो वेव ऑफ का जो बेनिफिट होगा वो ज़्यादा जाएगा किसको, हायर इनकम इंडिविजुअल्स हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा एज कम्पेयर टू द लोअर इनकम हाउस होल्ड, ठीक है। एंड इसके अलावा जो बजटरी जो इम्पैक्ट होगा वो तो होगा ही होगा, ठीक है। तो फाइनेंसिस पे भी फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो इसके ये अगेंस्ट में तीन चार पॉइंट हो गए कि ये अंडरलाइन कॉज को एड्रेस नहीं करता है, तो मोरल हजार्ड हो सकता है, हायर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है, ये जो अंडरलाइन जो बेसिकली जो एक्चुअल कॉज है उसको डिस्कस नहीं किया गया है, एंड ये एक ईजी वे है। उसके अलावा जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन भी होंगे इस डिसीजन के। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इजरायली पार्लियामेंट पासिस द लॉ दैट कर्ब्स द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इजरायल के जो पार्लियामेंट है, जो इजरायल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं बेसिकली। तो उन्होंने पार्लियामेंट ने एक पास लॉ पास किया था कि जो इजरायल के पार्लियामेंट है वो जो भी लॉ पास करेगी उसको जुडिशियल रिव्यू के द्वारा इजरायल की सुप्रीम कोर्ट है उसको रिवोक नहीं कर पाएगी, ठीक है। यानी कि जो बेसिकली इस लॉ के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट की पावर थी वो जुडिशियल रिव्यू की पावर है वो लेने के बारे में बात हो गई थी, उसको वापस लेने की, एंड तो उसको पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी बनाने की कोशिश की गई थी। इसराइल में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, एंड बेसिक लॉ है वहाँ पे, उसी के आधार पर वो ऑपरेट करता है बेसिक लॉ के आधार पर। तो इसलिए ये न्यूज़ में रहा था, एंड ये ज़्यादा अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगा, इसराइल बेसिकली इम्पोर्टेंट हो जाएगा, परंतु ये जो है ये नहीं इम्पोर्टेंट होगा। एंड ये कंट्रोल क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि अपने लोग वो सुप्रीम कोर्ट में बिठाना चाहते हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देती है
और वो इन लोगों को मंजूर नहीं है, तो ये इसमें उन लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं बेसिकली। तो इसराइल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बेसिक लॉ के द्वारा काम करता है, ठीक है। एंड इसने गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ डिसीजन दिए थे जिसके कारण ये इनका इसराइल की जो पार्लियामेंट है उसको क्या बोलते हैं, नेस्ट बोला जाता है, KNEST नेस्ट। एंड इसमें 120 मेंबर्स हैं इसराइल के पार्लियामेंट में। एंड ये सिंपल मेजोरिटी से ये चाहते हैं कि जो भी डिसीजन पार्लियामेंट ले उसको सुप्रीम कोर्ट चेंज नहीं कर पाए, ठीक है, चैलेंज नहीं कर पाए एंड उसको वोट डिक्लेयर नहीं कर पाए। तो रीज़न क्यों है, क्योंकि वो कंट्रोल करना चाहते हैं बेसिकली, ये है। एंड फॉर एग्जाम्पल इसराइल की सुप्रीम कोर्ट ने LGBT कम्युनिटी थी उसको मान्यता दे दी थी, परंतु राइट विंग के लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि LGBT कम्युनिटी को मान्यता मिले, ठीक है। एंड इसके अलावा इसराइल आउटपोस्ट पैलेस्टीन लैंड पे वो जो बना रहे थे पोस्ट बना रहे थे उसमें भी क्या है, इसराइल की पार्लियामेंट ने उनको परमिशन नहीं दी थी, इसराइल की सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन नहीं दी थी पार्लियामेंट को, ठीक है। तो इस कारण से ये पास किया गया था। इसका क्रिटिसिज्म है कि ये कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है। एंड तो अभी जो अपोजिशन है उसका जो रोल मिनिमम हो जाएगा फिर के द्वारा। नेक्स्ट इज UK हैज फॉर्मली साइन, UK ने साइन कर ली है TPP, जो ट्रांस CPTP, TPP एक है CPTPP। तो UK जो UK ने ब्रेग्जिट के बाद में क्या है यूरोपियन यूनियन से अलग हो चुका है UK, तो UK ने साइन किया है अभी CPTPP को साइन किया है, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव पार्टनरशिप फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है उसको साइन कर लिया है, ठीक है। एंड इसका जो पहला नाम था वो था TPP था, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ठीक है। एंड इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो हम भी देखते हैं, ठीक है। पहले CPTPP के बारे में बात करते हैं, ये क्या है, ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है एंड जिसमें क्या है 11 कंट्रीज साथ में आए हैं जो एग्री किए हैं कि कुछ एक लॉज हैं जो वो टैरिफ है वो रिड्यूस करेंगे और फर्दर जो ट्रेड है उसको प्रमोट करेंगे, ठीक है। पहला जो हमारा एग्जाम की दृष्टि से ये कब बना था, कब फोर्स में आता है, 2018 में, ठीक है, CPTP। एंड इसमें कितने कंट्रीज हो जाएंगे, अब UK ने ज्वाइन कर लिया तो इसमें 12 कंट्रीज हो जाएंगे, 12, ठीक है। मेंबर्स आपको याद होना चाहिए कौन कौन से मेंबर हैं CPTPP के, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मेक्सिको, मलेशिया, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर एंड वियतनाम, ये इसके मेंबर हैं। तो ये मेंबर याद होने चाहिए, ठीक है, CPTPP, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ठीक है। कब फोर्स में आता, 2018 में। लेटेस्ट मेंबर कौन सा ज्वाइन करने वाला है, UK, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। इसके जो काम क्या था, इसके फीचर क्या थे CPTPP, इट रिक्वायर द मेंबर्स टू इलिमिनेट और सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द टैरिफ एंड मेक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू ओपनिंग द सर्विस एंड इन्वेस्टमेंट मार्केट। तो उसमें ये इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करे एक दूसरे कंट्रीज में एंड वो सर्विसेज को भी ओपन करे, ठीक है। इससे क्या है, जो कंपटीशन है वो एड्रेस करेगा और IPR और फॉरेन कंपनीज का जो इन्वेस्टमेंट होता है उनको भी प्रोटेक्शन करने के बारे में बात की गई है। IPR प्रोटेक्शन के लिए ये सारे इसके अंदर क्या है बातें डिस्कस होती है। CPTPP के फीचर है कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, जो सिग्निफिकेंस क्या है, पहला तो ये ट्रेड को बढ़ावा देगी, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करेगी। इसके अलावा इसमें जो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस देखें तो इसमें क्या है, 500 मिलियन पीपल पॉपुलेशन है जो कंज्यूमर्स हैं यहाँ पे लगभग इस एरिया में, इन 12 कंट्रीज को मिला के कितने हो जाएंगे, 500 मिलियन कंज्यूमर्स, और ये रिप्रेजेंट करती है 13.5% ऑफ ग्लोबल GDP को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो ये मार्केट असेस प्रोवाइड करती है एशिया और लैटिन अमेरिकन की कुछ कंट्रीज को। उसके अलावा दूसरा है कि ये एक हाई स्टैंडर्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को प्रमोट करती है जिससे ट्रेड बढ़ेगा तो मार्केट असेस मिलेगी एक दूसरे कंट्रीज में। तीसरा जो इसका जो सिग्निफिकेंस है वो है ट्रांसपेरेंसी इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, ट्रांसपेरेंसी है, डेडिकेटेड चैप्टर है इसमें कि जो अभी क्या है जो फाइटोसैनिटरी मेजर लगा दिए जाते हैं एंड उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रहता है, तो उसमें ये एड्रेस करते हैं इंडस्ट्रीज को, टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड है TBT, उनको इस सभी में इसमें एड्रेस किया गया है एंड इसमें चैप्टर्स एड किए गए हैं रिलेटेड टू टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपेरेंसी, स्टेट ऑन एंटरप्राइज से रिलेटेड जितने भी हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे चौथा जो सिग्निफिकेंस है वो प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट है, तो ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग भी इसमें कुछ कुछ है फीचर्स हैं और लेबर राइट्स का भी इसमें ख्याल रखा गया है, ठीक है। एंड इट इज़ ए प्रमोटिंग अगेंस्ट दी बुलवर्क ऑफ चाइनीज, जो चाइनीज डोमिनेंस है
उसके अगेंस्ट में इसको लाया गया था इनिशियली जब यूएस इसका पार्ट था, परंतु अभी चाइना ने भी इसके लिए अप्लाई कर दिया है मेंबरशिप के लिए, उनको अभी तक तो दी नहीं गई है, जब दे दी जाएगी तो हम देखेंगे। इसके अलावा चाइना ने अप्लाई किया है इसको ताइवान, यूक्रेन, कोस्टारिका, यूरुग्वे, इक्वाडोर, ये सारे कंट्रीज इसका मेंबरशिप चाहते हैं, ठीक है। तो ये एक ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ये कैसे अलग है टीपीपी से, कैसे अलग है, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है उससे कैसे अलग है? तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये यूएस है, नॉर्थ अमेरिका नीचे है, साउथ अमेरिका, ठीक है, और इधर यूरोपियन यूनियन है। तो ये जो कंट्रीज हैं, इधर के कंट्रीज, नॉर्थ अमेरिका के, साउथ अमेरिका के और यूरोपियन यूनियन वाले कंट्रीज, ये सारा इनके बीच में क्या है, ट्रेड को प्रमोट करना चाहता है, इस मेन इनिशिएटिव का एम यही था। तो ये अलग कैसे है उससे? तो ये यूएस सेंटर था टीपीपी, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप थी, उसका पार्ट था यूएसए, ठीक है। यूएसए जब विड्रॉ कर लिया जाता है तब उसको बोलते हैं सीपीटीपीपी, ठीक है, एंड वो यूएस सेंटर थी, इसमें यूएस इसका हिस्सा नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद में उसमें स्टैंड कुछ एक स्ट्रिंजेंट आईपीआर नॉर्म थे टीपीपीपी में, फिर उनको क्या है थोड़ा रिलैक्स कर दिया गया था बाद में सीपीटीपीपी में, ठीक है। उनको कुछ एक सेम प्रोविजन है ऑलमोस्ट, परंतु थोड़ा सा उनको डायल्यूट किया गया है, सस्पेंडेड और मॉडिफाइड, ठीक है। एंड टीपीपी में एक ओरिजिनल फीचर ये था कि एक मैकेनिज्म था इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, ISDS मैकेनिज्म, इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी कंपनी, मान ले फॉरेन कंपनी है, जैसे कि कंपनी कौन सी मान लेते हैं, जनरल इलेक्ट्रिक से मान लेते हैं, वो साउथ कोरिया में इन्वेस्ट करती है और उसका साउथ कोरिया की गवर्नमेंट के साथ डिस्प्यूट हो जाता है, तब वो क्या है, जनरल इलेक्ट्रिक है, वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म है, उसको यूज कर पाए, ठीक है, उसी से रिलेटेड है ये। इन्वेस्टर स्टेट सेटलमेंट डिस्प्यूट है, इन्वेस्टर और स्टेट के बीच में जो डिस्प्यूट है उसको कैसे सेटलमेंट करना है, उसको इंटरनेशनल लेवल पे ये बताता है, ठीक है। उसमें ये ऑप्शन दिया गया है एंड इसको अभी थोड़ा डाइल्यूट कर दिया गया है टीपीपीपी के अंदर, टीपीपी के अंदर ये था ओरिजिनल फीचर, अभी इसके अंदर डाइल्यूट कर दिया गया है, ठीक है। तो इसके मेंबरशिप याद होनी चाहिए, और लगभग 13.5% इसकी जीडीपी को काउंट करता है, 500 मिलियन इसका क्या है, कंज्यूमर बेस है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है यूके इलीगल माइग्रेशन मूव, यूके इलीगल माइग्रेशन बिल। तो यूके ने पास किया है, हाउस ऑफ लॉर्ड ने इसको पास कर दिया था, इलीगल माइग्रेशन बिल, ठीक है। तो यूके में इलीगल माइग्रेंट आ रहे थे वाया नॉर्थ सी के द्वारा, नॉर्थ सी से आ रहे थे, ये यूके है, यूके के नीचे क्या है, इधर इस साइड में नॉर्थ सी है, और इंग्लिश चैनल से इसको कनेक्ट करता है थ्रू स्ट्रेट ऑफ डोवर। तो स्ट्रेट ऑफ डोवर है वो कनेक्ट करती है इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी के साथ, ठीक है। तो वहां से क्या है, इलीगल जो माइग्रेंट है फ्रांस से होते हुए बोट से, वो यूके में एंट्री कर जाते हैं, ठीक है। तो ये जो इलीगल माइग्रेंट आ रहे हैं उनको ये रोकना चाहता है यूके, ठीक है। उसके लिए ये बिल लेके आया है, इसके अंदर क्या है कि वो उनको जो इलीगल माइग्रेंट आ रहे हैं उनको पकड़ेंगे, डिटेन करेंगे और उनको कुछ राइट्स भी नहीं दिए जाएंगे। तो ये जो काम है वो होम सेक्रेटरी करेगा वहां का, होम सेक्रेटरी यानी कि वहां का मिनिस्टर होता है वो, एंड ये इसको जिम्मेदारी दी गई है डिटेन एंड रिमूव दोज इलीगल माइग्रेंट जो आ रहे हैं, ठीक है, नॉर्थ सी से बोट से आ रहे हैं वो लोग माइग्रेंट्स, तो उनको थर्ड कंट्री लाइक रवांडा में उनको डिपोर्ट किया जाएगा, एंड उनको कोई राइट टू बेल नहीं दिया जाएगा, जुडिशियल रिव्यू का कोई राइट नहीं दिया जाएगा। इनिशियली यदि 28 डेज में उनको कैप्चर किया जाता है, जेल में रखा जाता है, तो 28 दिन के लिए उनको बेल का राइट नहीं होगा। उसके अलावा ये जो है उनको ब्रिटिश सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी आगे, ठीक है, जो इलीगली मूव कर रहे हैं। तो ये यूके माइग्रेशन को कंट्रोल करना चाहता था इसके द्वारा, ठीक है। तो इसके क्रिटिसिज्म भी हुआ था इसका, ठीक है, क्रिटिसिज्म में इसका देखें, इस बिल का वो ये है कि जो इंटरनेशनल लॉ है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है ये, ठीक है, इट इज़ अगेंस्ट द इंटरनेशनल लॉ। एंड यूके है वो सिग्नेटरी है इसका, जो 1951 में एक कन्वेंशन साइन हुआ था रिफ्यूजीज के लिए, एंड उसका जो सिग्नेटरी है यूके, ठीक है, तो इंडिया ने साइन नहीं किया हुआ है। 1951 कन्वेंशन रिलेटेड टू स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी है, उसका यूके सिग्नेटरी है। उसके अलावा यूरोपियन कन्वेंशन फॉर ह्यूमन राइट्स है, उसका भी क्या है, यूके सिग्नेटरी है। तो इन दोनों के अगेंस्ट में ये बिल कहीं ना कहीं जाता है। तो जो कन्वेंशन है रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951, और इसकी एक प्रोटोकॉल भी है 1967 वाली, उसमें एक कंसेप्ट दिया गया है, कंसेप्ट ऑफ नॉन रिफाउलमेंट, कंसेप्ट ऑफ नॉन रिफाउलमेंट, यानी कि जिस देश से आ रहे हैं रिफ्यूजी उनको वापस उसी देश में नहीं भेजा जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, बांग्लादेश से इंडिया में आ रहे हैं रिफ्यूजी,
ठीक है, रोहिंग्या रिफ्यूजी आ रहे हैं तो इंडिया वापस नहीं भेज सकता उनको, ठीक है, क्योंकि वहां पे वो रिफ्यूजीज आ रहे हैं तो उनको लाइफ को थ्रेट होगा। रिफ्यूजीज शुड नॉट बी रिटर्न टू ए कंट्री वेयर दे फेस द थ्रेट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, की जहां पे उनको क्या है थ्रेट फेस कर रहे हैं तो वहां पे उनको लौटाया नहीं जाएगा। ये कंसेप्ट ऑफ नॉन रिफाउलमेंट बोलता है, ठीक है, ये किससे याद रखना है कि ये इससे रिलेटेड है, कन्वेंशन ऑन रिफ्यूजीज से, ठीक है। एंड यूके इसका सिग्नेटरी है, इसके लिए ये लॉ इसमें अगेंस्ट में आ जाएगा। एंड UNHCR है जो ह्यूमन राइट कन्वेंशन है, उसने भी इसको क्या है क्रिटिसाइज किया था इस मूव को, कि वो लोगों का जो रिफ्यूजीज का राइट है उनको दे ही नहीं रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है समिट्स, जो इसमें IRC से रिलेटेड है ये सारे, ठीक है, तो इसमें अलग अलग दिया हुआ है परंतु हम लोग एक साथ ही कर लेते हैं इसको। 12th मेकोंग गंगा कॉपरेशन मीटिंग हुई थी जिसको को चेयर किया गया था हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर जी के द्वारा, ठीक है। तो ये मीटिंग हुई थी मेकोंग गंगा कॉपरेशन की, कहाँ पे हुई थी, बैंकॉक में हुई थी, ठीक है। तो वहाँ पे गए थे, और मेकोंग गंगा कॉपरेशन क्या है, ये एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जिसको बनाया गया था 2000 में, ठीक है, टू प्रमोट द पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट एज वेल एज जो कॉमर्स है वो बढ़ावा देने के लिए बिटवीन दी मेकोंग एंड गंगा जो रिवर है उनका, उनके जो बेसिन्स में लोग रह रहे हैं उनके बीच में, इसको क्या है व्यापार और कल्चर को बढ़ावा देना है, ठीक है। इसको कब बनाया गया था, 2000 में एट लाओ PDR में इसको बनाया गया था। एंड गंगा और मेकोंग को सिविलाइजेशन रिवर माना जाता है क्योंकि यहाँ पे सिविलाइजेशन इवोल्व हुआ है, ठीक है। ये इन दोनों कंट्रीज को क्या है, दोनों ग्रुप्स को पास में लाता है, ठीक है। एंड ये कल्चरल एज वेल एज कॉमर्शियल लिंकेज को बढ़ावा देता है। एंड इसके अंदर कितने मेंबर्स हैं इसमें, मेकोंग गंगा में टोटल 6 कंट्रीज इसका पार्ट है, इंडिया प्लस, इंडिया के अलावा कौन कौन से हैं, CLMTV कंट्रीज हैं वो इसका हिस्सा हैं। सी से कंबोडिया है, लाओ PDR, म्यांमार, थाईलैंड एंड वियतनाम, तो ये 5 कंट्री प्लस इंडिया, इंडिया एंड 5 एशियन कंट्रीज है जो कि इसका पार्ट है, ठीक है। तो इंडिया में देखें तो इंडिया की ये वाली बॉर्डर है इंडिया, फिर इधर म्यांमार टच होता है, फिर थाईलैंड है, फिर बाकी ये हो जाएंगे वियतनाम, थाईलैंड, वियतनाम, ये सारे जो कंट्रीज हैं इस इंडो चाइना पेनिनसुला वाले इसका पार्ट होंगे, ठीक है। तो इसका जो काम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ावा देना है, कल्चरल एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंज को बढ़ावा देना है, ठीक है, डायलॉग को प्रमोट करना है। इसके अलावा एरिया ऑफ कोऑपरेशन है 4 फाउंडेशनल एरिया है रिलेटेड टू टूरिज्म, कल्चर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। उसके अलावा भी इसको एक्सपेंड किया जा रहा है एरिया ऑफ कोऑपरेशन, लाइक हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, ट्रेडिशनल मेडिसिन है, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, इन सारे एरियाज में हम लोग मिलके इसके गंगा मेकोंग जो कोऑपरेशन है उसमें काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो गंगा मेकोंग कोऑपरेशन था वो पार्ट है इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का। 1991 में नरसिम्हा राव जी जब प्रधानमंत्री थे तब भारत ने लुक ईस्ट पॉलिसी लॉन्च की थी, फिर उसको पीएम मोदी जी आते हैं 2014 में उसको कन्वर्ट कर देते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी में, ठीक है, जो नेबरहुड पे ज्यादा और फोकस करते हैं हम। तो लुक ईस्ट पॉलिसी और लुक एक्ट ईस्ट पॉलिसी में क्या फर्क है ये हम देख लेते हैं। लुक ईस्ट पॉलिसी के अंदर क्या है, फोकस वाज ऑन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन विद साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ओनली, तो जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनके साथ ही केवल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का फोकस रहा था। एंड जबकि एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो थोड़ा बड़ा है, लुक ईस्ट से उसका क्या है स्कोप बढ़ा दिया गया है, तो उससे हम केवल साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के अलावा भी फार रशिया रीजन है वहां तक भी उसको देखते हैं हम, इंडो पैसिफिक में इसमें फोकस करते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी में। एंड इसमें जो एरिया ऑफ इंगेजमेंट है उसको भी नंबर इंक्रीज किया गया है, उसके अलावा एरिया है वो भी इसका इंक्रीज किया गया है, ठीक है। तो इट्स एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो सीक्स टू डीपन एंड डाइवर्सिफाई द इंगेजमेंट इन द एरिया ऑफ कनेक्टिविटी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, कल्चरल एक्सचेंज, ये सब इसका पार्ट होता है, जबकि लुक ईस्ट पॉलिसी में हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, ठीक है, जबकि एक्ट ईस्ट पॉलिसी में ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, कल्चर है, सब उसका इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। उसके अलावा एशिया पैसिफिक रीजन है, इंडो पैसिफिक रीजन है, उसमें हम क्या है इसमें
इसमें फोकस कर रहे हैं, एक्ट ईस्ट पॉलिसी में एक्सटेंडेड नेबरहुड में हमारा फोकस रहेगा, ठीक है। ये डिफरेंस था लुक ईस्ट पॉलिसी एज वेल एज एक्ट ईस्ट पॉलिसी में। तो लुक ईस्ट पॉलिसी 1991 में आती है नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट के द्वारा, एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी मोदी जी लेके आते हैं, ठीक है। उसके अलावा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है हमारी, सिक्योर सागर है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, वो सभी इसी का पार्ट है, ठीक है। फिर जो इस पॉलिसी का जो पार्ट है एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसका क्या है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ावा देना है, कल्चरल टाइज को बढ़ावा देना है, स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप बिल्डिंग करनी है, ठीक है। एंड जो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट जो पोर्शन है, नॉर्थ ईस्ट पोर्शन है जो सेवन सिस्टर्स है, उनको क्या है हमें डेवलप करना है, तो उनको क्या है पहले तो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करे, उसके अलावा जो हमारा जो चिकन नेक कॉरिडोर का डिलेमा है उसको रिजोल्व करने में हेल्प करे, उसके लिए हमने क्या है कनेक्टिविटी के लिए कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है वो भी चलाया हुआ है। उसके अलावा इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे हम बना रहे हैं, उसके अलावा राइट टिडिम रोड प्रोजेक्ट है वो भी हम डेवलप कर रहे हैं, तो ये आप देख सकते हो गूगल करके राइट टिडिम रोड प्रोजेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है वो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है यूएनएचआरसी कंडेम्ड स्वीडन कुरान बर्निंग। तो स्वीडन में क्या है कि कुछ लोगों ने कुरान को कॉपीज को जला दिया था, ठीक है, तो वहां पे उसको क्या है क्रिटिसाइज किया था यूएनएचआरसी ने, तो पाकिस्तान ने क्या है यूएनएचआरसी में इसको अगेंस्ट में आवाज उठाई थी और पाकिस्तान ने एक रेजोल्यूशन पास कराया था ऑन द बिहाफ ऑफ जो इस्लामिक जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कॉरपोरेशन है उसके बिहाफ पे पाकिस्तान ने एक रेजोल्यूशन पास कराने की कोशिश की थी, ठीक है। तो वहां पे रेजोल्यूशन को मूव किया गया था और इंडिया ने उस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया था, एंड इंडिया अलॉन्ग विद 28 कंट्रीज ने इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया था यूएनएचआरसी में, ठीक है, जबकि यूएस ने इसको अपोज किया था, ठीक है। तो ये कुछ कंट्रीज वो बोल रहे हैं कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है उनका पार्ट है कि कुरान की कॉपी जलाना, ठीक है, तो ये थोड़ा सा रिलीजियस सेंसिटिव इश्यू है। तो ये हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है, यूएनएचआरसी इंपॉर्टेंट है, इसकी कंपोजिशन इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ना हमें इंपॉर्टेंट है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2006 में, 2006 में यूएनएचआरसी को बनाया गया था यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल को, ठीक है। एंड इसका जो हाईएस्ट जो प्रिंसिपल ह्यूमन राइट ऑफिसर है उसका कौन नाम क्या है, हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स है वो इसका प्रिंसिपल ह्यूमन राइट ऑफिशियल है, यानी कि सबसे बड़ा ऑफिशियल है वो इसी का है। एंड ये साल में ये जो बॉडी है यूएनएचआरसी है एक साल में 3 बार मिलती है और जो वर्ल्ड में जो ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन है उसको डिस्कस करती है, ठीक है। एंड ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, दिस इज इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके मेंबर्स को क्या है यूएनएचआरसी के मेंबर्स को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इलेक्ट करती है, जो मेंबर है वो उनको चुना जाता है कितने साल के लिए, 3 साल के लिए चुना जाता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, यूएनजी के द्वारा, ठीक है, 3 साल के लिए। एंड तो एक मेंबर है उसकी मैक्सिमम 2 कंजुकेटिव टर्म हो सकती है, यानी कि 3+3 मैक्सिमम क्या है 6 साल तक एक मेंबर रह सकता है, उसके बाद में उसको क्या है गैप देना पड़ेगा, ठीक है। तो कंजुकेटिव 2 टर्म इज अलाउड ओनली, ठीक है। इसमें कितने मेंबर हैं, 47 मेंबर हैं एंड 47 मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन में, 190 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, ठीक है। तो उसमें से केवल 47 को चुना जाता है एंड इनको क्या है ज्योग्राफिकल ग्रुपिंग के आधार पर चुना जाता है, जैसे कि अफ्रीका से 1 या 2 हो गया, यूरोप दैन यूरोप से हो जाएंगे 2-4, एशिया से हो जाएंगे 2-4, तो ऐसे करके क्या है 47 मेंबर को इसमें चुना जाता है ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा, ठीक है। यूएनजी इसको इलेक्ट करती है। नेक्स्ट है इसका जो प्राइमरी फंक्शन है यूएनएचआरसी का वो क्या है, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना है एंड जो मॉनिटर करना है ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन को वर्ल्ड वाइड, फिर इसको रिपोर्टिंग करना है, फिर इसके अलावा ये एक निकालती है यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू होता है, जो यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू में क्या होता है कि जैसे भारत के अंदर ह्यूमन राइट्स सिचुएशन कैसी है वो यूएनएचआरसी के मेंबर मिलकर डिस्कस करते हैं, फिर पाकिस्तान में कैसी है वो भी यूएनएचआरसी के मेंबर मिलकर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो दूसरे कंट्रीज हैं वो डिस्कस करते हैं हर इसकी ह्यूमन राइट सिचुएशन कंट्रीज के अंदर, उसको बोला जाता है यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू। किससे रिलेटेड है, यूएनएचआर से रिलेटेड है, ह्यूमन राइट से रिलेटेड है, ठीक है। तो इट इज ए यूनिक मैकेनिज्म वेयर ईच यूएन मेंबर स्टेट इज ईच ह्यूमैनिटेरियन रिकॉर्ड इज रिव्यूड बाय द अदर मेंबर कंट्रीज, ठीक है। एंड इसके अलावा जो है यूएनएचआरसी है वो ह्यूमन राइट को प्रमोट करती है, मॉनिटर करती है, रिव्यूल्ट करती है, यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू करती है, उसके अलावा स्पेशल प्रोसीजर है लाइक ए स्पेशल रिपोर्टर है, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट है, उनको भी अपॉइंट करती है टू एग्जामिन द ह्यूमन राइट सिचुएशन इन द डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा था कि पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कॉरपोरेशन है उसके बिहाफ पे ये रेजोल्यूशन मूव किया था, ठीक है। एंड
तो इसके बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा ये क्या है, ठीक है। एंड इसराइल और इसके बीच में जो चला रहा है, पैलेस्टीन के बीच में वॉर चला रहा है, उसके कारण भी ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक OIC क्या है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये यूनाइटेड नेशन के बाद में सबसे बड़ा, तो यानी कि दुनिया का ये सेकेंड नंबर का सबसे बड़ा इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो मेंबर्स हैं कितने हैं, 57 मेंबर कंट्रीज इसका हिस्सा हैं, ठीक है। एंड जिस इंडिया इसका पार्ट नहीं है, इंडिया इसका पार्ट नहीं है, ऑल्दो वर्ल्ड का 10% मुस्लिम्स हैं वो इंडिया में रहते हैं, परंतु इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। 57 इसके अंदर मेंबर्स हैं। एंड इसका जो सेक्रेटरिएट है वो जेदा इन सऊदी अरेबिया है, यानी कि जो हेडक्वार्टर है वो जेदा सऊदी अरेबिया में इसका लोकेटेड है, ठीक है। एंड ये कब बना था, 1969 में बना था। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि गवर्नमेंट्स जो है वो इसका पार्ट होती है, 1969 में ये बना था, ठीक है। फिर इसका जो चार्टर है OIC का, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन का चार्टर है, वो अडॉप्ट किया जाता है 1972 में, 1972 में इसका चार्टर अडॉप्ट किया जाता है। इसके अलावा इसमें मेंबर हैं 57 हैं, फाउंडिंग मेंबर 30 थे इसके। एंड इसके जो अदर बॉडीज़ हैं इसके अंदर में, वो है काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर, इसके अंदर जो बॉडीज़ बनाई गई है, जनरल सेक्रेटरी है इसका, ठीक है, डे टू डे काम देखने के लिए। फिर इस्लामिक समिट है वो कंडक्ट कराती है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन। उसके अलावा अल कुद्स कमेटी है, वो भी इसके अंदर काम करती है, अल कुद्स कमेटी। तो ये सारा इससे रिलेटेड था OIC से। तो इसके मेंबर 57 आप देख सकते हो कि कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं हैं। थोड़ा सा रफली इसमें से देखें तो ये रेड वाले इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। तो ये फ्रांस है, ये सारा मेंबर्स हैं, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। बाकी US वगैरह ये भी नहीं है, देख सकते हो आप। ओरिजिन OIC, ओरिजिन कैसे हुआ था इसका, तो 1969 में जब वॉर चल रहा था तब इसराइल ने अल अक्सा मस्जिद को कब्जा कर लिया था, ठीक है। एंड उसके बाद में फिर ये कॉन्फ्रेंस है, एक समिट ऑर्गेनाइज किया जाता है रबात इन मोरक्को में, एक जगह है रबात, वहाँ पे एक समिट ऑर्गेनाइज किया जाता है। फिर उसके बाद में इसका निर्माण होता है 1969 में, ठीक है। एंड क्रिटिसिज्म है, OIC का क्रिटिसिज्म क्या है कि इसकी टूथलेस टाइगर है। ये कंट्रीज हैं जो मुस्लिम कंट्रीज हैं जो इसका पार्ट है, उनके अगेंस्ट में कोई भी डिसीजन नहीं लेता है ये, ठीक है। एंड इसमें क्या है, हर एक कंट्रीज के पास वीटो है, ठीक है। कोई भी बड़ा डिसीजन लेना होता है तो वो वीटो यूज कर लेता है। फॉर एग्जांपल ये जो कंट्रीज है, इसका बांग्लादेश भी इसका पार्ट है। एंड बांग्लादेश ने पहले भारत को इन्वाइट किया था इसमें, परंतु पाकिस्तान ने इसको वीटो कर दिया था कि वो लोग इसका भारत को मेंबर नहीं बनाना चाहते, ठीक है। तो पाकिस्तान के वीटो के कारण इंडिया इसका मेंबर नहीं बन पाता है। एंड इंडिया के रिलेशनशिप कैसे हैं इसके साथ, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था 2019 में एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर पार्टिसिपेट किया था। इंडिया को ये मेंबर नहीं बना रहे हैं, ऑब्जर्वर स्टेटस भी नहीं दिया गया है, ठीक है। एंड ये बेसिकली पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में काम करता है ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डीप सी माइनिंग से रिलेटेड है। तो डीप सी माइनिंग वैसे तो टॉपिक है वो ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट का पार्ट है, परंतु इसमें दिया हुआ है तो इसमें जो बेसिकली इंटरनेशनल सी बोर्ड अथॉरिटी है उसके बारे में हम जानेंगे। तो डीप सी माइनिंग, इससे पहले हम देख लेते हैं कि ये डीप सी माइनिंग क्या होती है, कि जो डीप सी ओशन का बेसिन होता है, ओशन फ्लोर है, उसके अंदर जो मिनरल्स हैं वहाँ पे उनको क्या है माइनिंग करने के बारे में बात हो रही है, ठीक है। उसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे ये पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स हैं और भी बहुत सारे मिनरल्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है किसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। रेयर अर्थ मेटल्स हैं वो पाए जाते हैं। तो अर्थ से जो लावा निकलता है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि अर्थ के जो कोर से मेंटल से जो लावा निकलता है, फिर वो स्प्रेड होता है सी फ्लोर स्प्रेडिंग के द्वारा, एंड फिर वो अंदर से क्या है मेटल्स वगैरह लेके आता है और वो डिपॉजिट होता है ओशन के फ्लोर पे। तो ये बहुत सारा क्या है मिनरल्स वगैरह वहाँ पे पाए जाते हैं और उनको माइनिंग करने के बारे में बात कर रही है। तो ये जो टॉपिक है वो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी है उससे के बारे में है, ठीक है। तो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी है एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एस्टेब्लिश किया गया है अंडर UN क्लॉज। तो UN क्लॉज को अडॉप्ट किया गया था 1982 में। UN क्लॉज क्या है, जो वर्ल्ड के ओशंस हैं उनको कैसे रेगुलेट करना है उससे रिलेटेड एक कानून बनाया गया है, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, ठीक है। एंड ये जो UN क्लॉज है वो फोर्स में आता है 1994 में, ठीक है। तो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी भी कब बना था, 1994 में बना था, और ये ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में ये काम करना कब शुरू करता है, ISA 1996 में काम करना शुरू करता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी है वो किसके अंडर काम कर रही है, UN क्लॉज के अंदर काम करती है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, किंगस्टोन जमैका में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है।
किंगस्टोन इन जमैका इसका हेडक्वार्टर है, ये एक कैरेबियन नेशन है, एक कैरेबियन आइलैंड का नेशन है जमैका, ठीक है। किंगस्टोन इसकी कैपिटल है। इसका काम क्या है, इंटरनेशनल सी बेट अथॉरिटी का, जो की कंट्रीज होते हैं तो उनको क्या है, लाइसेंस देती है, रेगुलेट करती है एक्टिविटीज इन दी हाई सीज। तो हाई सीज क्या होता है वो हम देखते हैं, हाई सीज देखो ये ओशियन बेसिन है, ठीक है, तो ओशियन ऐसा होता है, फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप कुछ होता है, देखो यहां से कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, फिर ऊपर क्या होता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है ये, ठीक है। कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंट की बाउंड्रीज, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, देन नीचे वाला जोन है वो क्या होता है, एबिसाइल रीजन और जो ओशन फ्लोर का रीजन है, ठीक है। तो ये किसी भी देश की क्या है, ये बेस लाइन होती है, ठीक है, जो आउटर बाउंड्री लाइन होती है उसको बोलते हैं बेस लाइन। तो वहां से लेके 12 न्यूटिकल माइल तक सी वार्ड में क्या होता है, टेरिटोरियल सी होता है 12 न्यूटिकल माइल तक, और यहां से लेके उसके आगे 12 न्यूटिकल माइल क्या होता है, कॉन्टिग्यूस जोन होता है, ठीक है। एंड जो बेस लाइन से लेके 200 न्यूटिकल माइल इन ओशन में क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये भारत की बेस लाइन है, ठीक है, ये जो बेस लाइन है भारत की आउटर बाउंड्री है, ठीक है। तो यहाँ से जो ये भारत की जो बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री है, उससे 200 न्यूटिकल माइल तक क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, यानी कि इस जो रीजन में पाए जाने वाला रिसोर्सेज है उस पर इंडिया का एक्सक्लूसिव क्या है, राइट होगा। टेरिटोरियल सी होता है वो किसी भी देश का नेशनल एयर स्पेस है, उसका पार्ट माना जाता है किसी भी देश का, ठीक है। तो ये इंडिया का जो टेरिटोरियल सी का हिस्सा है वो इंडिया का पार्ट माना जाएगा, बाकी जो ये जो है, बाकी जो एरिया है वो इंटरनेशनल एयर स्पेस का हिस्सा माना जाता है, ठीक है। उसमें क्या है, राइट, फ्री राइट ऑफ पैसेज होता है सबको, ठीक है। एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक, यानी इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन किया जा सकता है कंट्री के द्वारा टिल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। उसके बाद का जो एरिया है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद का एरिया है, उसको क्या बोलते हैं, हाई सीज बोलते हैं, ठीक है। एंड जो हाई सीज है वो उसमें किसी एक देश का नहीं होता है, सारे ग्लोबल कम्युनिटी का है, ठीक है। तो इसमें जो डीप सी वाला रिसोर्सेज है उसको कौन रेगुलेट करता है, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी है। इसके अंदर जो भी रिसोर्सेज पाया जाएगा, माइनिंग वगैरह होगी, तो वो ये रेगुलेट करेगी, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। तो ये हमने देखा, ठीक है। तो डीसी इसका जो फंक्शन क्या है, ये फिर लाइसेंस देगी इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी इनको, जो कंट्रीज है जिनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में पाया जाएगा, जो रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं उनको। एंड इट इंश्योर दैट एक्टिविटीज है वो क्या है, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट ना करें, ये भी इसका काम है, पॉल्यूशन को चेक करना। इसके अलावा डीप सी माइनिंग है वो क्या होती है, डीप सी माइनिंग हमने देख लिया है कि जो ओशन सी बोर्ड से रिसोर्सेज को निकालना, कौन कौन से रिसोर्सेज निकालते हैं, जनरली पॉलीमेटालिक नोड्यूल पाए जाते हैं ओशन फ्लोर पे, सल्फाइड डिपॉजिट भी मिलते हैं, कोबाल्ट क्रस्ट है वो वहां पे रोक पे आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि वो लावा ऊपर की तरफ आ रहा है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रही है, जिसके कारण क्या है वो ओवर द ईयर्स क्या है डिपॉजिट हो चुका है मिनरल्स। इसके अलावा यहाँ पे निकल है, रेयर अर्थ मेटल है, वो पाए जाते हैं, जिसका इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, सेमीकंडक्टर्स वगैरह में, ठीक है, अब बैटरीज वगैरह बनाने में। तो रेगुलेशन ऑफ डीसी माइनिंग जो करंटली जो कौन रेगुलेट करता है वो है, यूएन क्लोज के अंदर ही रेगुलेट की गई है, हाई सीज का जो एरिया है वो हमने देख लिया है। एंड इट इज कंसिडर टू अप्लाई टू ऑल द स्टेट रिगार्डलेस ऑफ वेदर जे इसके मेंबर हैं या नहीं है, ये सभी स्टेट्स को अप्लाई होता है जो यूएन क्लोज का रेगुलेशन है। एंड ये जो हाई सीज है वो कॉमन हेरिटेज है मैनकाइंड का, ठीक है, उसको हमें बचाए रखना होगा और इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी में इसको यूज करना होगा। जो डीप सी माइनिंग करेंगे तो उसको क्या है, इन्वायरमेंट पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, जो कि डीप सी इकोसिस्टम है उसको क्या है ये थ्रेट करेगा, ठीक है। तो वहाँ पे पॉल्यूशन होगा, नॉइज होगा, वाइब्रेशन होगा, तो जो समुंदर में रहने वाले जो बायोडाइवर्सिटी है उसको चैलेंज करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मरीन मैनमेंट है, वो इकोलोकेशन पे काम करते हैं, उनको भी क्या है ये थ्रेट करेगा, ठीक है। उसके अलावा सेडिमेंट प्लूम्स निकलेंगे, तो वो कोरल्स वगैरह है वहाँ पे, जो कोरल्स है, स्पॉन्जी है, उनको क्या है थ्रेट करेगा, ठीक है। तो वो एसिड वगैरह रिलीज करेगा, ओशन एसिडिटी भी इंक्रीज होगी। तो ये हमारा था, इससे रिलेटेड जो पोर्शन है वो हम कवर कर लिए हैं। धन्यवाद।